गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भाजपा ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। पहले डिप्टी सीएम नितिन पटेल सहित कई दिग्गजों के नामों पर अटकलें चल रही थीं, लेकिन बाजी भूपेंद्र पटेल मार गए। इस बीच सीएम की आस लगाए बैठे नितिन पटेल की नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भूपेंद्र पटेल ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो नितिन पटेल मौजूद नहीं थे। भाजपा ने पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल के नाम की अचानक घोषणा कर सबको चौंका दिया है। इससे पहले जिन नामों को मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, उनमें राज्य वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री रह चुके नितिन पटेल का नाम शामिल था। विधायक दल की बैठक से पहले नितिन पटेल ने मीडिया से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अनुभवी विधायक को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा के बाद इस बार भी नितिन पटेल के हाथ निराशा ही लगी, जिसके बाद वे अपने गृह नगर मेहसाणा चले गए। वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अकेले नहीं हैं, जिनकी बस छूट गई, उनके जैसे कई और भी हैं। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2017 में जब नितिन पटेल को वित्त मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया गया था, तो उन्होंने खुले बगावती तेवर अपना लिए थे, जिसमें पार्टी आलाकमान को झुकना पड़ा था। सूत्रों ने बताया कि नितिन पटेल को खुश करने के लिए आलाकमान ने उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का प्रस्ताव दिया है। राजनीति के माहिर नितिन पटेल सक्रिय राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से भी अच्छे संबंध नहीं थे। विजय रूपाणी जहां अमित शाह के पसंदीदा माने जाते थे, वहीं नितिन पटेल आनंदीबेन पटेल के नज़दीकी माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा पटेल की नाराजगी की पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकती। उधर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपनी नाराजगी की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया है। भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने से मैं बहुत खुश हूं। इस बीच उन्होंने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से उनके आवास पर मुलाकात भी की। डिप्टी सीएम ने कहा कि भूपेंद्र पटेल मेरे पुराने पारिवारिक मित्र हैं, मैंने उन्हें बधाई दी है। भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल ये दोनों ही नेता गुजरात के शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पाटीदार समुदाय से हैं। बता दें कि जिस सौराष्ट्र क्षेत्र में पिछली बार भाजपा का सुपड़ा लगभग साफ हो गया था, भूपेंद्र पटेल वहीं से कड़वा पटेल से हैं। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब पार्टी को यहां से लाभ मिल सकता है। नया चेहरा होने से पाटीदार समुदाय को इससे कई उम्मीदें रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र के सीएम बनने से यहां विवाद होने की संभावना भी बेहद कम है। बता दें कि भूपेंद्र पटेल पहली बार ही विधायक चुनकर आए हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले भूपेंद्र पटेल पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी की आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन 2012 में इसी सीट से चुनाव जीती थीं। अब देखना यह है कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली अगली सरकार में नितिन पटेल डिप्टी सीएम बने रहेंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।